अब इस केस में एक पर्सन को उसके घर से ऑफिस पहुंचने के लिए अलग अलग सिनारियों में लगने वाले टाइम की बात बताई है अमल रीचेस ऑफिस एट टेन फिफ्टीन ई फी ट्रेवल्स एट एट किलोमीटर पर आवर मान लो लेकिन वो निकल कितने बजे रहा है पता नहीं लेकिन वो टेन फिफ्टीन को पहुंचता है जब उसका स्पीड होता है एट किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस इज बेसिकली स्पीड इन टाइम मान लो उसका स्पीड तो दिया है पहले केस में एट और उसको टाइम जो लगता है पहले केस में वो टी है समझो टी मिनट्स मतलब टी बाई सिक्सटी आर्स टी मिनट्स लगते हैं मान लो अब वो टी की वैल्यू इसलिए पता नहीं मुझे क्योंकि वो निकल कितने बजे रहा था वो मुझे क्लियर नहीं था वो भले पहुंच रहा है टेन फिफ्टीन को एंड ही रीचेज एट नाइन फोर्टी ओनली फिर ट्रैवल्स एट फिफ्टीन अब वो जल्दी भी जाए निकले तेजी से जाएगा इफ विल ट्रैवल एट फिफ्टीन सोवियसली विल रीच बिट अर्ली बट द डिस्टेंस वोट चेंज सो डिस्टेंस विल स्टिल रिमेन दिस ओनली एंड अब वो डिस्टेंस वो सिर्फ नाइन फोर्टी में ही पहुँच रहा है पहले टेन फिफ्टीन को पहुँच रहा था मतलब उसके थर्टी फाइव मिनट रिड्यूस हो गए तो वॉट वी नो इज़ वेन ही इज ट्रैवलिंग विद 15 किलोमीटर पर आर स्पीड दैट टाइम ही इज ओनली टेकिंग टी माइनस 35 मिनट इसका मतलब टी माइनस 35 बाय 60 आर 60 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं मैं क्योंकि स्पीड जब किलोमीटर पर आर में होती है तो टाइम आर्स में होना चाहिए देन ओनली वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस नाउ देन दे आर आस्किंग मी लिविंग होम एट ओके आगे की स्टोरी को बाद में देखते हैं पहले यहां से टी फाइंड आउट कर लेते हैं सिक्सटी तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज एट टी इज इक्वल टू फिफ्टीन टी माइनस फिफ्टीन इन टू थर्टी फाइव ये सब ट्रैक करता हूं तो ये आएगा सेवन टी इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू थर्टी फाइव या टी की वैल्यू सात से कैंसिल करेंगे तो आएगा सेवेंटी फाइव तो उसको टी की वैल्यू 75 फाइव इसका मतलब फर्स्ट केस में ही वॉज टेकिंग सेवेंटी फाइव मिनट्स Now what they are asking me is, they are asking me, leaving home at 9 10 a.m. At what speed in kilometer per hour must he travel so as to reach the office exactly by 10 a.m. अब देखो distance कितना है वो मुझे पता है distance है 8 into t by 60 मतलब 8 into t कितना है 75 by 60 इतना distance है अब ये उसको cover करना है किस स्पीड से कवर करना है ये पूछा हाँ. है और टाइम के बारे में मुझे पता है ही नीड्स टू स्टार्ट एट नाइन टेन एंड रीच एट नाइन रीच एट टेन ए एम इसका मतलब उसको टाइम लगने वाला है फिफ्टी मिनट्स तो व्हाट दे आर सेइंग इज इतना डिस्टेंस कवर करना है तो स्पीड क्या रखनी चाहिए एस इज टू बी डिटरमाइंड एस पता करना है सो दैट टाइम टेकन शुड बी फिफ्टी मिनट्स फिफ्टी मिनट्स मीन्स फिफ्टी बाई सिक्सटी आवर्स अगेन सिक्सटी दोनों तरफ से कैंसिल हो सकता है सो so, एस की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एट इंटू सेवेंटी फाइव इस फिफ्टी को इधर लेके आएंगे डिवाइड होगा ट्वेंटी फाइव से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा थ्री आएगा टू टू से कैंसिल होगा फोर फोर इंटू थ्री सो स्पीड आ रही है ट्वेल्व सो इन सेकेंड केस ही विल ओनली हिज स्पीड नीड्स टू बी ट्वेल्व किलोमीटर पर आर देन ओनली ही विल रीच इन द करेक्ट टाइम उसका स्पीड होना चाहिए ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर का